हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के वो सभी बच्चे जिन्होंने डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया, तो उनका लगातार मैसेज आ रहा है कि सर हमारा डिस्प्यूट सेटलमेंट का रिजल्ट नहीं आया है। हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 में अप्लाई किया था, बट अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया है। बाकी बच्चों को रिजल्ट आ चुके हैं, तो क्या आप सीबीएसई जो है क्लास 10 और क्लास 12 जो प्राइवेट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट और पत्राचार वाला रिजल्ट 30 सितंबर को आने वाला है, क्या उसी के साथ डिस्प्यूट सेटलमेंट का भी रिजल्ट आएगा? तो दोस्तों, मैं आपको कंफर्म और 100% सोर्टी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो रिजल्ट था वो हमने, यानी हम सब ने खुद फाइल नहीं किया था, हमने स्कूल के थ्रू फाइल किया था। स्कूल ने अगर सही तरीके से डिस्प्यूट के लिए अप्लाई किया होगा तो आपका रिजल्ट जो है 30 सितंबर तक जरूर आएगा, ठीक है। अगर मान लो कि 30 सितंबर का भी आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपको स्कूल से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना चाहिए, क्योंकि स्कूल वाले हो सकता है अप्लाई करने में लापरवाही बरती होगी, अन्यथा जितने बच्चों के रिजल्ट आए हैं दोस्तों माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा तभी ठीक नहीं है, तो उनका रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसे में आप सभी का भी रिजल्ट आ चुका होता अगर स्कूल वालों ने आप सभी का सही प्रकार से डिस्प्यूट के लिए अप्लाई किया होगा। तो 2 दिन और बाकी है दोस्तों 30 सितंबर के, तो प्लीज़ 2 दिन का वेट और कीजिए, ठीक है। 2 दिन के बाद अगर यानी 30 सितंबर तक आपका रिजल्ट नहीं आता तो आपको जरूर अपने स्कूल से कॉन्टेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, जिन बच्चों को स्कूलों ने अप्लाई किया उन सभी का 80% बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, और सभी बच्चों के जो है यानी ज़्यादातर बच्चों के नंबर बढ़े हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ, 30 सितंबर तक अगर आपको रिजल्ट नहीं आता है तो प्लीज़ आप अपने स्कूल में संपर्क कीजिए, स्कूल वालों से पूछिए, जो एग्जामिनेशन इंचार्ज है, प्रिंसिपल है, उनसे पूछिए कि आपने हमारा डिस्प्यूट का अप्लाई किया था या नहीं किया था। अगर अप्लाई किया था तो हमें मेल दिखाइए, पत्र दिखाइए, तो जरूर आपको शो करेंगे। तो ये आपको जरूर करना होगा अगर 30 सितंबर तक भी रिजल्ट नहीं आता है तो दोस्तों, ठीक है। रही बात दोस्तों की क्या 30 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, देखो दोस्तों रिजल्ट तो 30 सितंबर तक आएगा ही आएगा, कल भी आने की संभावना है और 90% चांस है दोस्तों, मैं कल की बोलता हूँ कि कल आ सकता है, बट 100% चांस है दोस्तों जो आपको 30 सितंबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई ने भी हल्फनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो निश्चित रहिए 30 सितंबर तक आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा, और हो सकता है कल का भी आ सकता है। और आप, मैं पूरी तरीके से दोस्तों कामना करता हूँ कि आप सभी के जो नंबर अच्छे आए और आपके जो प्रीवियस रिजल्ट है उससे कई गुना अच्छे नंबर आए, ये मेरी आप सभी के लिए कामना है। आप सभी लोग अच्छे से पास हो, अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो, और अपने मन पसंदीदा कोर्सेज में दाखिला लें। आप साइंस चाहते हैं साइंस लीजिए, किसी ऐसे कॉलेज में दाखिला चाहते हैं उस कॉलेज में दाखिला लीजिए, ठीक है। हम मानते हैं कि उस कॉलेज में दाखिले जो है वो बंद हो चुके हैं, बट बहुत से ऐसे कॉलेज जहाँ भी अभी भी दाखिले चालू है, तो वहाँ पर आप दाखिला लीजिए और अपने करियर को नई ऊंचाई दीजिए, ठीक है। ठीक है, नंबर ही अब देखिए दोस्तों, हमने नंबर बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि हमारे एजुकेशन पॉलिसी में नंबर बहुत बड़ा गेम है दोस्तों। यहाँ आपको नॉलेज भाई जितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, आपको अगर नंबर नहीं आते तो आपको फेलियर समझा जाता है। तो ये नंबर जस्ट दोस्तों हमें अपने काबिलियत को साबित करने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में डाला गया है, ठीक है। आपको कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, आपको अगर नंबर नहीं आते तो आपको फेलियर माना जाता है, और आप बिल्कुल भी अगर नहीं पढ़ते हैं और नंबर आ जाते हैं तो भी आपको पढ़ा हुआ माना जाता है। तो ये बात है, तो प्लीज़ किसी प्रकार के पैनिक मत कीजिएगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे, और आई होप आप सभी लोग अच्छे नंबर से पास होंगे, क्योंकि आप सभी ने अच्छे नंबर अच्छे पेपर दिए, क्योंकि उन्होंने बच्चों ने एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारी की थी। मान तो 1-2 पेपर काफ़ी टफ आए थे, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से पास होंगे, ये मेरी कामना है दोस्तों। मेरे बेस्ट विशेज आप सभी के साथ हमेशा हैं दोस्तों, और हमारा चैनल द पॉलिटिकल मास्टर आप सभी के दोस्तों हमेशा सपोर्ट में रहा है और हमेशा आगे भी रहेगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों इस वीडियो के साथ, यदि आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएससी, यदि आप क्लास 10, क्लास 11, 9th और 12th में हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।